खाना खिला के ना धक्के देने की तैयारी कर रही है अम्मी जिम्मी चाची को। क्या बात कर रही हो, पप्पा अम्मी से उम्र में बड़े हैं, वो कैसे उनको धक्का देके निकाल सकती हैं? हाँ तो अम्मी कौन से रिश्तों का ख्याल करती हैं? देखा नहीं बेचारी फुप्पो के साथ कैसा सलूक करती है। लेकिन चाची तो उनसे छोटी है ना। हाँ तो अगर बड़ी होती तो कौन सा मुख्तलिफ रवैया होता, बस थोड़ा इज्जत से जलील कर लेती। अरे भाभी जी को तो मजा आता है बेइज्जती करने में, बाउंसर भिगो भिगो के मारती हैं जिल्लत के। नहीं लेकिन जमी पप्पा के लिए तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने, उनकी तो बड़ी खातिरदारी करने को कहा है। अच्छी तरह से तुम उनकी मुराद ही समझी ना। क्या मुराद है, अगर तुम समझ गए तो तुम बता दो मुझे। खाने में जहर। क्या कह रहे हैं भैया? अरे भाभी जी के दिल की बात कह रहे हैं, यकीन मानो 100% उनके दिल में यही आ रहा होगा। खबरदार जो किसी ने एक दाना भी वो जिम्मी भाई के सामने रखा हो तो। लेकिन अम्मा आपने तो कहा था कि उनकी खातिरदारी करो। हाँ तो मैं और शबाना जाएंगे ना अच्छी खासे खातिर तवाजा करने उनकी। रखो उसको डिब्बे में भर के, उठाओ ये सब। बता रही हूँ मैं। यानी खेल की सूरत हाल जो है पलट गई। दो टीमें खेल रही थी, अब तीसरी टीम ने ग्राउंड में धावा बोल दिया है। दो टीमें एक दूसरे को भूल गई और तीसरी टीम के खिलाफ कमर बस्ता हो गई। साजिशें हो रही, प्लानिंग हो रही है। अब देखना यह है किसकी गुगली किसका बाउंसर, किसका सर फाड़ता है या किसी की विकेट उखाड़ता है। अबे ये तो वही शब्बो आ गई इंग्लैंड से, इसी को तो देख कर हमने हाँ की थी, हमें क्या पता होगा वो फरफंदा। चलो खाना आ रहा, मजा आ रहा, बहुत दिनों बाद भाभियों के घर का खाना खाएंगे। अब लाइट चली गई, अपना क्या नाम है सुल्ताना, शब्बो, अपना सारा कहाँ चले गए सब? अरे भाई वहां की लाइट नहीं गई क्या? ये कौन आ गए? अरे ये कौन आ रहा? कौन हो इधर, क्यों आ रही हो बाजी? कौन हो आप? ये आग लेके मेरे इधर सुल्ताना, शब्बा, सारा, रवि का, पपीता, खरबूजा। क्या हो गया? पूरे मोहल्ले की बिजली आ रही, हमारे घर की लाइट बंद हो गई। क्या ये क्या? ओ की कर रहे हैं? क्या 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 क्या? आहिस्ता बोल, जिम्मी भाई सुन लेंगे। स्पीक स्लोली स्लोली। अरे सुनते हैं तो सुन ले जिम्मी भाई, हमारे घर का बिजली का बिल क्या जिम्मी भाई देते हैं? आप हटे और हमको खोलने दे लाइट। नथिंग हैपेंड, आई स्विच्ड ऑफ। क्यों, आपको छत का पंखा साफ करना था? नहीं जिम्मी भाई, इन्हें डराना है तो एक काम करें, बगैर मेकअप के उनके सामने चली जाए, उससे ज्यादा डरेंगे। ओ भैया, लिव इन योर टाइमिंग, अपनी औकात में रह, डोंट क्लाइंब ऑन माय हेड। अंग्रेजी में मत डांटिए, हम सब समझते हैं, और जिम्मी भाई को बच्चे नहीं है जो अंधेरे से डर जाएंगे। जिम्मी भाई, ए जिम्मी भाई, उठिए। जला दिया, जला दिया। ना ना, जान जान, भाभी चुड़ैल, चुड़ैल भाभी, भाभी नहीं वो चुड़ैल, वो सफेद कपड़ों में आग लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी, मुझे जलाने आ रही थी। हैं? कौन जला रही थी? अरे मैंने खुद देखा, वो थी नहीं, पता नहीं था, थी थी। क्या था थी कर रहे हैं? कौन जला रही थी? अरे भाभी आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने खुद किसी को सफेद कपड़ों में यहाँ देखा, आग उसके हाथ में थी। अच्छा,
अय है जिम्मी भाई, क्या बताऊं कैसी अजाब है जिंदगी। यहाँ इस कदर लाइट जाती है, मेरी बिनाई वैसे ही कमजोर होती जा रही है। इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जाती है कि क्या बताऊं। वक्त कुछ तो बताओ। अय अल्लाह, झूठ ना बुलवाए, कौए के बराबर के मच्छर और ये कब्र के बिज्जू और ऐसी ऐसी नस्ल के कीड़े के मत पूछें कि उड़ उड़ के आंखों में दुलत्तियां मारते हैं, पता है। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये जो है ना लालटेन लिए कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये फिरती रहती हैं। आप जानती हो इसे? नहीं, मैं तो बस ये जानती हूँ कि सिर्फ नीचे के पोर्शन में जब घुप अंधेरा छा जाता है और जब हम परेशानियों में डूब जाते हैं, कीड़े हमें जब डंक मारते हैं जोर जोर के, तो ये औरत लालटेन लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लाइट कब आती है? पता नहीं, घंटों घंटों जाती है, हम कुछ कह नहीं सकते कब आएगी लाइट। अभी थोड़ी आएगी लाइट। आप उनको डराने का कोई और तरीका सोच लीजिए, हमको लाइट ऑन करने दीजिए। शुक्र है लाइट आ गई। आए आए, अब ना वो औरत आएगी ना कीड़े मकौड़े। मेन स्विच ते तू खोल देता, हुन अपना सिर खुलवान दी तैयारी कर। कौन खोलेगा हमारा सर? भाभी जी, she just not open your head, बल्कि उन्होंने तुझे पुट्ठा लटका देना। हम कोई खाल उतरी हुई मुर्गी हैं जो उल्टा टांग देंगे हमको? ओ भैया, लाइट बंद करके ना जिम्मी भाई को डराने का प्लान ना भाभी जी का था। ये प्लान उनका था? उनको क्या जरूरत थी इस प्लान की? वो तो मेकअप किए बगैर ही उनके सामने चली जाती तो ऐसे डर जाते हो। ए, तू बड़ी चंगी गाल की थी, मेरा तो दिल खुश कर देता है तूने। आपका जी खुश हो रहा है, हमारी जान निकली, भाभी जी हमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ वो तो है। अम्बखत, ये क्या हुआ? तो लाइट आ गई तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है जिम्मी भाई, हाँ अल्लाह का शुक्र ये कहीं गलती हो गई है, एक गलती सी। क्या मिस्टेक नहीं, अच्छा हो गया लाइट आ गई अब। और क्या, मैं तो यही कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ये लाइट कभी ना जाए। या अल्लाह। तो हम एक काम करते हैं, हम दोबारा बंद कर देते हैं, इतनी देर थोड़ी हुई, भाभी जी में इतना टैलेंट तो है कि वो थोड़ा मैनेज तो कर ही लेंगी। तो स्विच ऑफ कर, मैं भी जा रही हूँ जिम्मी भाई नू डरान। आप भी जाइए, हमें भी मौका मिला तो हम भी आगे भाऊ कर देंगे। ये 5 मिनट में आ गई है ना, रोज नहीं आती है इतनी जल्दी लाइट। वैसे बड़े मुबारक कदम हैं जिम्मी भाई आपके। शुक्र है, वरना मेरा तो अपने कदम दम कदम पे से भरोसा ही उठ गया था। फिक्र ना करें, आज भी ज्यादा देर बैठने वाला नहीं। कौन? भरोसा। देखा देखा, लाइट चली गई। अल्लाह, मैं तो ये कह रही थी कि आए जिम्मी भाई। ये जिम्मी भाई कहाँ गए? अच्छा, लालटेन वाली माई से डर के भाग गए माशाल्लाह से। ओ भाभी जी, मैनू तो पहले ही पता सी कि तुहाडा भूत बंगले वाला एक्सपीरियंस ना एक दिन डे बाय डे कम जरूर आएगा। तीर निशाने पे मारने वाला काफी तजर्बा है मेरा। जब मैं जोकिंग करूँ ना तो तुसी करेले ना थुकने लग जाया करो। अच्छा, तुम्हारा मजाक मजाक है और हमारा मजाक करेला। ये आप दोनों सुल्ताना और शबाना ही हैं या लालटेन वाली चुड़ैल जुकते मार रही है? जिमी जी, वैसे इतना क्या स्केयर्स होना है कि आप आंखें ही नहीं खोल रहे? ये मेरा जाती खुदकार दिफाई निजाम है कीड़े मकौड़ों के खिलाफ। और अगर आंखें बंद कर भी लें तो मच्छरों से कैसे बचेंगे? खून ही खत्म हो जाएगा आपका, और खाली आंखों का क्या अचार डालना है हमें? आगे, आगे, देखा तुमने, कहा था ना मैंने ये लाइट खुद नहीं जा रही, बार बार कोई स्विच बंद कर रहा है। हाँ, पता नहीं कौन बार बार स्विच ऑफ कर रहा है। क्या किया आप लोगों ने? मेन स्विच दोबारा ऑन कर दिया। फिर से नहीं किया, पहली दफा किया, बार बार कोई बंद कर रहा है, पता नहीं कौन। अरे पहले हम भी यही समझे थे,
भाभी बंद करवा रही हैं। हम तो गलती से खोल के आ गए थे, भाभी ने ऐसी की तैसी कर दी, आपने जानबूझ के खोल दिया, अब भुगतो। लेकिन अम्मी क्यों बंद कराएंगी? पहले हम भी यही समझे थे भाई, ये तो अब पता चला, ये तो भाभी और शबाना भाभी मिलके जिम्मी भाई के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। खेल खेल रहे? इन तीनों को इस उम्र में क्या सूझी जो खेल खेल रहे? फरहंदाबाजी को इस घर में आने से रोकने की साजिश का खेल है ये। अच्छा, और आप लोगों ने मेन स्विच ऑन कर दिया, अब आप लोग भाभी के अदाब से बचना चाहते हैं, जाके ऑफ कीजिए। चलिए, हम नहीं खोल रहे, खुद जाके खोलो, हटे यहाँ से। भी कौन जाएगा? अंधेरे में जाए बंद खोले, वापसी पे चुड़ैल पीछे लग गई, लेकिन भाभी से बढ़ के थोड़ी होगी। ये लाइट क्या रोज इसी तरह आना जाना करती है? बिल्कुल नहीं, अरे ये तो प्लानिंग में है ही नहीं। प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? बिजली वालों की प्लानिंग में ये सब नहीं था, दिस इज नॉट इन लोड शेडिंग प्लानिंग। चले अब लालटेन तो बुझा दें, अब तो लाइट आ गई है। जिम्मी भाई। जी जी। मच्छरों ने बाल्टियां भर ली। जी जी जी, अब मुझे ना समझा, मैं समझ गया। ये इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आप लोगों को शौकिया कैसे सूझती हैं? बस परवरदिगार ने हौसले कैसे दिए ये चेक कीजिए। या अल्लाह। शब्बू जी प्लीज, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर तो निकाल लें, मुझे अपने घर जाना है। एक खबरदार, इस घर में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा किसी का अंधेरे में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हैं? अब हम लोग नंदोइयों और बहनोइयों के हाथ पकड़ पकड़ के बाहर ले जाएंगे? अरे क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, और फिर फरखंदाबाजी को क्या जवाब देंगे? और नहीं तो की जिमी जी, असी तानू जान नहीं देना, हुन जदों तक लाइट नहीं आंदी ना तानू नहीं जान दवांगे असी। तो लाइट कब आएगी? सुबह आएगी। सुबह? जी, 9 PM to 7 AM डेली। जब लाइट नहीं होती तो आप लोग सोते कैसे हो? पता ही नहीं चलता, मच्छरों से ढींगा मुश्ती होती है और रात गुजर जाती है। जिमी जी, मच्छरां ते सुंडियां नाल काउंटर स्ट्राइक खेलते खेलते गुजर जाती साड़ी रात। या अल्लाह, ऐसे कैसे जी सकता है कोई? ओ माई गॉड, ए वेखो जिमी जी, ए मच्छर ते सारा बाइट चीक लेके चला गया। क्या चीज ले गया? चीज नहीं, गाल खा गया आंखें छोड़कर। आंखें छोड़ के क्यों? जिमी जी, मच्छर भी कोई छोटे नहीं है, इन्ने मोटे मोटे गुलाब जामन जिन्हें ददोड़े पै जांदे ने पूरे जिस्म विच इन्हां दे कट्टन नाल। गुलाब जामन जितने ददोड़े? हाँ, और जब वो माई आती है ना लालटेन लेकर घूमती है, अरे सबको चक्कर आ जाते हैं। ये सब आते कहाँ से हैं? अरे अंधेरा होता है तो आ जाते हैं, निकल जाते हैं सब। अंधेरा? लो वो गए, निकल आई हवा इनकी, जाओ उससे कह के लाइट ऑन करवाओ। अरे लेकिन भाभी जी, हमने तो इनको कहा कि लाइट सवेरे आएगी। अरे जब तक इसका दम निकल जाएगा तू लाइट तो ऑन करवा। जा 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 जा। आ रही है माई। वैसे हैरत है, अम्मी ने तो आज सारी लाइटें ऑन करा दी, अभी तो जिम्मी पापा गए भी नहीं है। गए नहीं, गए गुजरे हो चुके। क्या मतलब? मेरा मतलब है गुजरने वाले। क्या कह रही हो? अरे भैया बता रहे थे गुजरने के करीब करीब है, अम्मी और चाची ने इतना डराया ना उन्हें, तीन बार बेहोश हो चुके बेचारे। मगर जिम्मी पापा को डरा के अम्मा को क्या मिलेगा, वो यहाँ आना बंद कर देंगे क्या? अरे नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ये अलग बात है कि फुफ्फो के डर से ना कीड़े मकोड़े जरूर डर जाएंगे। अम्मा ने ऐसी कहानी क्रिएट की है कि कोई बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। बच्चा समझ जाएगा लेकिन जिम्मी पापा नहीं समझेंगे, बेचारे डर रहे हैं, तभी तो तीन बार बेहोश हुए ना। वैसे उनका बेहोश होना ना मुझे ड्रामा लगता है, तुम्हें पता है ना कितने बड़े एक्टर हैं वो। तो चलो फिर जाके एक्टिंग देखते हैं कि पापा ज्यादा अच्छी कर रहे हैं या अम्मी। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं, चल के देखते हैं। चलो चलो चलो। मुखालिफ टीम के बेपनाह एतराज के बावजूद बैड लाइट में उनको खिलवा दिया। बैड लाइट में खेलने की वजह से जो मुखालिफ टीम यानी जिम्मी भाई को
गेंदे पड़ी हैं जिस्म पे, हाथों पे, सर पे और टांगों पे, उससे वो लबे दम हो गए। खैर अंधेरे का खेल तो खत्म हो गया, अब देखना ये है कि रोशनी के खेल में जिम्मी भाई का क्या असर होता है, क्योंकि अब उनको बख्श दिया गया। जिम्मी भाई तुसी जा रहे हो? हाँ जी शब्बो जी, आपको छोड़ के जाने को दिल तो नहीं करता, जाना पड़ेगा। हाँ क्यों? क्योंकि इधर चुड़ैलों के साथ साथ कीड़े मकोड़ों के भी काटने का खतरा है। नहीं जिम्मी भाई, ऐवें भाभी जी ने कह देता है, अड्डा भी कोई मसला नहीं है। हाँ एक बात तो बताए शब्बू जी। जी आस्किंग विदाउट झिझक जिम्मी जी। ये कीड़े मकोड़े घर वालों को कुछ नहीं कहते हैं। ना मैंने किसी के गुलाब जामुन जितने ददौड़े पड़े देखे, ना मैंने तो नुक्ती दाने देखने। हाँ वो नहीं जी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ ना, आई एम जस्ट कमिंग। यू कमिंग? लेकिन बाकी सब तो पहले के लिए रह रहे हैं। और जिम्मी भाई वो तो आदि हो गए, हाल बता, मच्छर आदि नहीं हुआ अभी तक। क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो किसी को काटेगा ना तो वो भी आदि हो जाएगा। किसी को? हाँ। किसी को मैं काटने नहीं दूंगा, उसको आदि नहीं होने दूंगा। आ जाए जाए। जिम्मी भाई फरखंदा बाजी को सलाम कहिएगा और उनसे ये कह दीजिएगा कि मैं ना इंग्लैंड से चॉकलेट लाई थी उनके लिए, भिजवा दूंगी। तुम क्या क्या कर रहे जिम्मी भाई, आप टक्करे मारते फिर लोगों को? अब कौन, मैं कोई पागल बच्चिया हूँ क्या टक्कर मारूंगा? तुम टकराओ हमसे, हटो। अरे हम तो हट जाएंगे, हम तो जा रहे हैं पोल के नीचे सोने के लिए। पोल के नीचे? हवा की वजह से? खौफ की वजह से। तो खौफ किस बात का? चुड़ैल का। चुड़ैल का? हाँ हमारे घर में अंधेरा होते ही लालटेन लेके दंदनाती फिरती पूरे घर में। अबे तुम लोग इस माहौल में कहते रहते हो, तुम्हें डरने लगता, खौफ नहीं आता? भाभी जी की दोस्ती हो गई है, असल में रात भर कंपनी अच्छी रहती है। अच्छी कंपनी है? कहें तो आपकी करवाते थे, अभी मुआहदा चेंज हो सकता है। बैठ बे। अच्छा मैं अपनी बीवी की फैक्ट्री बुरी लगती है, हम जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? चुड़ैल के बीवी के। हाय भाभी जी, भाभी जी जाऊं? भाभी जी मुझे तो मजा आ गया, मुझे तो लगता है आप भाभी वो बाजी फरखंदा और जिम्मी भाई इस घर का रुख कभी करेंगे ही नहीं, ही एंड शी नेवर कम हियर अगेन। हाँ ना, तो दूर की बात, इस घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। और ये सब हुआ किसकी वजह से? मेरी प्लानिंग की वजह से। बस भाभी जी मान गए आपकी प्लानिंग। मान गई हो ना, तो अब अपना सामान समेटो और गेस्ट रूम का रुख करो, वरना तुम्हारे खिलाफ भी मैं अच्छी सी प्लानिंग कर सकती हूँ। भाभी जी मैं कोई जिम्मी भाई नहीं हूँ जो आपकी प्लानिंग से डर के ना भाग जाऊंगी, मैं तो हूं उत्ते ही रहना है फॉर एवर अपर पोर्शन ते। अरे मर गए यहाँ फीवर वाले? फीवर नहीं भाभी जी, फॉर एवर। फीवर तो बुखार को कहते हैं। उतार दूंगी तेरा सारा फीवर बुखार ऊपर रहने का। आफियत चाहती है तो सामान उठाओ और जाके गेस्ट रूम में रहो। क्या करें आप लोग, आइए एक तो आप। अब आने का। हेलो सलाम अलैकुम फरखंदा भाई। हाँ 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 अच्छा अच्छा। अरे बता ना क्या हुआ, फरखंदा के दिल की धड़कन रुक गई या घर पहुंचते ही निकल लिए जिम्मी भाई, या फिर रास्ते में ही निकल लिए? यकीनन उन्होंने आने से मना कर दिया होगा, है ना? मतलब हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई? कोई प्लानिंग कामयाब नहीं हुई, कोई नहीं मरा मरा। फरखंदा बाजी का फोन था, वो कह रही है कोई इलाके में बिजली की खराबी नहीं है, जो खराबी है वो इस घर में है। कोई सुबह उनका भेजा हुआ इलेक्ट्रिशियन आएगा और शाम में वो खुद। समझ गया ना तू, उस घर में बिजली के जो जो मसले हैं। हाँ जी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, बदबू, चुड़ैल। जब बिजली नहीं आती है ना तो उसके बाद ये मसले होते हैं। अच्छा बेगम सलाम। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? आप ये कि उस घर में बिजली के जो जो मसले हैं ना, वो मुझे आज के आज ही ठीक करने, क्योंकि कल आपने वहाँ शिफ्ट होना है, और अगर कल के बाद वहाँ की लाइट गई तो आप मेरा फ्यूज उड़ा देंगे।
भाई बड़ा समझदार हो गया, एकदम से सारी बात समझ में आ गई। सिर्फ समझा नहीं हूँ, याद हो गई मुझे ये पूरी कहानी। पिछले 15 मिनट में आप 15 बार ये कैसे मुझे सुना चुकी हैं। काम नहीं हुआ ना तो तेरी खोपड़ी भी बजा दूंगी अपनी सैंडल से। इस लाइट की वजह से मैंने अपना प्रोग्राम एक दिन लेट कर दिया है। आज के बजाय अब मैं कल जाऊंगी, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। मगर आप ही जाइएगा, हम नहीं जाएंगे वहाँ। बको मत, तुम क्या यहाँ फुटपाथ पे रहोगे? मैंने सारे जतन इसलिए किए कि इस घर का किराया बच जाए। आज हम यहाँ हैं, आखिरी दिन है हमारा, कल हम इस घर को खाली करके चले जाएंगे, समझ गए? जाने से याद आया, मैं भी जाऊं क्या? ओ दफा हो जाओ, मैं तो समझी अभी तक तुमने लाइट भी ठीक कर ली होगी। निकल लो, अभी कनेक्शन लगा के आया, जाओ। वो सभी आया। अरे भाई वो जिमी, अरे हाई बेगम, पानी साथ रखा करो, इस बात पे 3 दफा कुल्लियां बनती हैं। मैं तुम्हें हो गई मोहल्ले की पड़ोसन हो गई। तू यहाँ थुआ सा बैठा रही हो। अरे फरखंदा बाजी का इलेक्ट्रिशियन आ गया तो फिर क्या होगा? उसके सामने तो राज खुल जाएगा कि इस घर के जो बिजली के तार हैं वो खराब नहीं है, कोई खराबी नहीं है उनमें। तो फरखंदा बाजी तो उदम ढाके रख देंगी और आस पड़ोस के 100-100 घरों में जाके बताएंगी क्या हमने उनसे झूठ बोला। सब पता है तुझे, सब पता है, पर कुछ नहीं कर रहा तू इसके लिए कि कैसे पीछा छुड़वाया जाए इस इलेक्ट्रिशियन से। बिजली खराब करने का आइडिया तो आपका था, अब ठीक करने का आइडिया भी आप ही सोचे ना। सब काम मैं ही करूं, तू किस बात की तनख्वाह ले रहा है? टर्की में सोचने की तनख्वाह नहीं लेते, वो भी किसी झूठे को बचाने के लिए। अल्लाह, तूने मुझे झूठा कहा, तूने मुझे झूठा कहा, झूठा कहा? झूठ मैंने अपने लिए बोला था? और फरखंदा बाजी जैसे तेरे साथ बड़ा अच्छा सुलूक करती है, इससे ज्यादा बुरा नहीं करती। अच्छा तो जा, जा, जाके मर उन्हीं के घर, मर वहां जाके। अरे मरेंगे तो हम कहीं और जाके, जीते जी हम यही रहेंगे, इस घर पे हमारा भी तो हक है। अरे वाह वाह वाह, इनका भी हक है। आओ आओ सब आ जाओ, आओ भी आओ, आओ, आओ। तू चुप रह, चंदा की अम्मा आ जाओ, भोले भाई आ जाओ, सब इस घर की ईंटें निकलवा लो और अपने लिए छोटे छोटे घर बनवा लो। शुक्रिया शुक्रिया, हमने तो पहले प्लॉट तार रखा है जहाँ पे ईंटें रखनी है। बकवास किए जा रहा है? अरे इलेक्ट्रिशियन के आने से पहले कोई तरकीब सोच ले, क्या करें। सुन तू ऐसा करना, इस घर के बिजली के जो तार है ना उन्हें जगह जगह से कुतर देना, इस कदर कुतरना कि जोड़ जोड़ दुख के रह जाए इलेक्ट्रिशियन का। तार कुतरते रहे, इलेक्ट्रिशियन का इलाज आप खुद ही कर लीजिए, हमको बहुत काम है, हम जा रहे हैं। हाँ जा, संभाल लेंगे। और सुनिए, बस ध्यान से रहिएगा। क्यों? ऐसा ना हो नीचे से कोई ईंट निकल जाए। अरे मैं तुझे प्रियो, निकल यहाँ से। या अल्लाह मैं क्या करूं? या अल्लाह, ना दी वड़ी पाबी वैसे ठिंगनी। पोर्शन तो अपर ही ले जा मेरे मोला, पोर्शन ते मिल जाए मैनू। वड्डी पवे चाची, आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ क्या करूं, हेडेक हो रहा है इतना मेरे सर में, सारा दिन रात तो इस सोफे पर सोई मरी रहती हूँ, नींद कहाँ आती है मुझे भला। लेकिन चाची आप इस सोफे पे क्यों लेटी रही पूरी रात? जिद की वजह से, तेरी माँ से ना जिद लगाई हुई है मैंने, जब तक वो मुझे अपर पोर्शन नहीं देगी ना मैंने भी इधर ही रहना है, इसी सोफे पर सोना मरना खाना पीना यही रहेगा मेरा। देखें चाची, वो मैं आपके और अम्मी के बीच में तो नहीं बोल सकती, लेकिन आप एक काम करें, आप ना गेस्ट रूम में जाके सो जाए, थोड़ा आराम कर ले वहां जाकर। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो अच्छा सुन सारा, वो रात को ना मेरा लयान आ रहा है। वेरी गुड। गुड क्या, मेरे तो सर में इतना हेडेक हो रहा है, मैं अपने बच्चे को गले कैसे लगाऊंगी, मिलूंगी कैसे, बातें कैसे करूंगी उसके साथ हैं? आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर फ्यू घंटे। चाची आलियान कितने बजे आ रहे हैं? आए 7 बजे।
आप एक काम करें, आप 2 मिनट रुके, मैं ना भैया से आपके सर दर्द की दवाई लेकर आती हूँ। आप खा के सोएंगी ना तो फिर आप फ्रेश उठेंगी, ठीक है? मैं अभी लेकर आती हूँ। भैया मैं हाँ समझ गई, मीटर वहाँ लगा है, वहाँ जाके सही करो। किस चीज का मीटर? बिजली का मीटर। इलेक्ट्रिशियन हो के ये आके क्या पाड़े हो? हाँ तुम सारा हो ना, यहाँ की फुप्पो भी ना, पूरे घर वालों का नाम बता के भेजा है। हे मिस्टर, मैं सारा हूँ या कोई और? तुम्हें इस बात से गर्ज नहीं होना चाहिए, जाके ना मीटर में खामी तलाश करो तुम। अच्छा अब मैं तलाश करता हूँ मीटर। ओ हेलो, ये तुम्हें हंसी क्या आ रही है? जोकर दिख रही हूँ मैं? सॉरी, बस वो आपको देख के हंसी निकल आई मेरी। अब जाओ जाओ, घूरे क्या जा रहे हो? हाँ जाता हूँ। बल्कि रुको, अम्मी को भेजती हूँ, वो ही खबर लेंगी तुम्हारी। हिलना मत, पता नहीं कौन कौन आ जाता है। मैंने कहा ना हिलना नहीं। भैया भैया भैया, तूने मुझे मरवा दिया। क्या हुआ? तूने कुछ ना किया, वो इलेक्ट्रिशियन नाजिल हो गया है, अब बता क्या करेंगे। अरे इलेक्ट्रिशियन आ गया? हाँ आ गया इलेक्ट्रिशियन, अभी सारा ने बताया है। तो आप घबरा क्यों रही हैं? हम संभाल लेंगे ना। संभल के जाना, एक नंबर का बदतमीज इलेक्ट्रिशियन भेजा है फरखुंदा बाजी ने। अरे हमारे घर को वो अपने बाप का घर समझ के घुसाया, और घर में आने के बाद बहुत बदतमीजी की उसने सारा से। अब फिर तो आपका जाना बनता है उसके पास। क्यों भाई, शेर को कम से कम सवा शेर तो मिले। तू समझ नहीं रहा है, फरखंदा बाजी ने एक एक बंदे का नाम और हुलिया बता के भेजा है, और ये भी बताया है कि किससे कैसा सलूक करना है। अच्छा तो आप डर रही हो उससे? अरे मैं क्यों डरूंगी, अगर उसने रेंज बाना घसीट के मुझे मार दिया तो मैं क्या करूंगी? अरे इलेक्ट्रिशियन के पास रेंज बाना नहीं होता भाई। अरे मैं तो 10 के पानी से ही मर जाऊंगी, इतनी नाजुक सी तो हूँ मैं। हाँ और कटर प्लास तो सीधा मेरी पीठ में घुस जाएगा अगर नोक की तरफ से हुआ तो। इलेक्ट्रिशियन के औजारों को हथियार मत बनाइए भाई, आराम से जाइए उनसे कहिए भाई कोई खराबी नहीं थी, हमने उसे झूठ बोला था बस। मैं खड़ी हो जाऊं उसके सामने जाके, ताकि वो मेरी नाक कान उखाड़ के डिबिया में बंद करके फरखंदा बाजी को भेज दे। अरे तुझे नहीं पता, फरखंदा को अगर मेरे झूठ का पता चल गया तो मुझसे क्या सलूक करेगी? अरे कम से कम आपके नाक कान तो नहीं उखाड़ के हाथ में देगी। अरे नाक उखड़े या कान उखाड़े, अब जो कुछ भी उखड़ेगा वो तुम्हारा उखड़ेगा समझे, और सीधी सरह से जाके संभाल उनको। मुलाजिम तू है कि मैं? हुक्म जमाए चला जा रहा है मेरे ऊपर। ठीक है चले जाते, अपने नाक कान उखड़वा लेंगे इस खानदान की खिदमत करते करते, सारी जिंदगी होगी। बहुत ही ताबे सर पे मुसीबत कर दी। हाय अब्बा जी कैसा काम आता है ये तांबे का हाथी, संभाल लियो उसको। या अल्लाह क्या करूं? बाहर क्या देख रही हो? चाची का भेजा हुआ इलेक्ट्रिशियन आ गया। मतलब घर में हंगामा शुरू होने वाला है। वो क्यों? अरे इलेक्ट्रिशियन देख के बता नहीं देगा कि सारे घर में लाइट है? हाँ ये तो है, इलेक्ट्रिशियन ना इलेक्ट्रिशियन नहीं लग रहा, काफी स्मार्ट लग रहा है। मतलब तुमने उसकी स्मार्टनेस भी चेक कर ली? अब मेरा वो मतलब नहीं है, काफी पढ़ा लिखा लग रहा है, लेकिन है बड़ा बदतमीज, नाम ले रहा था मेरा। तुम्हारा नाम? लेकिन तुम्हारा नाम उसको किसने बताया? फुप्पो ने ही बताया होगा, और किसने बताया है? और तुम्हें पता है हुलिया तक पता है उसको, सारा को ना सारा ही समझा उसने, रबीका नहीं समझा। ये तो बहुत बुरा किया फुप्पो ने। फुप्पो अच्छा करती कब है? वैसे मुझे डर तो इस बात का लग रहा है, जब वो वहां जाके सारी इन्फॉर्मेशन देगा तो चाची यहाँ के कितना बड़ा हंगामा करेंगी। हाँ हंगामा तो होगा। वैसे तुम्हें पता चला क्या? आलियान आ रहे शाम में, चाची को फोन आया था उसका।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन चाची कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। कहाँ होंगी, नीचे है, उनके सर में दर्द हो रहा था, आराम कर रही है। दर्द तो अब सबके होगा। वो क्यों? सरकुंता फुप्पो जो आ रही है। हाँ ये तो है। वैसे मैं जा रही हूँ चाय पीने, मेरे भी सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। यार देखो प्लीज बात खत्म करो, कुछ ले दे लो, बात खत्म करो मामले को यार प्लीज। अब मामला नहीं निमट सकता, अब तो मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा जब तक मम्मी नहीं मिलती। मम्मी? हाँ कहाँ है मम्मी? अबे अरामे मिस्र में होंगी। मेरी मम्मी कहाँ है? देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर होंगी तुम भूल रहे हो, तुम यहाँ पे सिर्फ बिजली चेक करने आए हो। मुझे तो लग रहा है मैं ही गलत घर पे आ गया हूँ। नहीं अब तो मैं मम्मी को तलाश करके ही रहूंगा। मम्मी कहाँ है आप? देखो मम्मी कहते हैं लाश को, और लाश तो उठ नहीं सकती, वो तो उठ गई। लाश होंगी आपकी मम्मी, मेरी मम्मी जिंदा है। पागल हो गए क्या आप? यार अपनी मम्मी के बारे में अपने अब्बू से पूछ जाएगा, उनको सही पता होगा कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है। भैया शबाना चाची अंदर सो रही है, सारा ने कहा है जब तक आलिया नहीं आए उनको उठाए नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। हम मैसेंजर हैं क्या? ओहो मैं समझ गया हूँ कि आपकी बिजली में क्या मसला है। ये जरा बारीकी से देखना पड़ेगा, मैं हर तार चेक करके आता हूँ। काहे को अपनी जान जला रहे हो यार, ये जाने भाभी जाने, अरे भाड़ में जाओ।